अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कर्व बॉर्डर किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि अभी आपने स्टार्ट में कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे आप, जिसके ऊपर पोइट्री वगैरह लिखी हुई है, और इसमें जो बॉर्डर इस्तेमाल किया गया वो कर्व बॉर्डर है। तो आप कैनवास के अंदर कोई वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर पोइट्री वगैरह आप एडिट करना चाहते हो, कोई पोइट्री वगैरह बना के उसकी पोस्ट वगैरह स्क्वायर साइज़ में से 9:16 x 16:9 में आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। साइज़ आपको पता हो, कर्व बॉर्डर आप बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपने पिक कार्ड को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने पिक कार्ड को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा पिक कार्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ रोटेट करें तो यहाँ पर आपको कलर बैकग्राउंड में जो फर्स्ट पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ से अभी आपने करना है कि आपने सबसे पहले तो टूल में जाना है, और यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने स्क्वायर वाले साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप 3.4 का फ्रेम बनाना चाहते हैं, आप 3.4 को सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपने स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं यूट्यूब को सेलेक्ट कर लें। फेसबुक, जो जिस चीज़ के लिए आप पोस्ट बनाना चाहते हो, कर्व बॉर्डर यूज़ करना चाहते हो, आपने वही फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ स्क्वायर साइज़ को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आपने नीचे बॉर्डर वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बॉर्डर लिखा हुआ है। बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर ब्लैक कलर है इसको आपने सेलेक्ट करके वाइट कर देना है, या जो भी आप कलर रखना चाहते हैं इस बॉर्डर का वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और थोड़ा सा साइज़ में उसको छोटा कर लेना है, इस तरीके से जितना आप बॉर्डर बनाना चाहते हो इतना आपने बॉर्डर यहाँ पर बना लेना है। और नीचे आपको ये रेडियस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इससे ये होगा कि आप देख रहे हैं किनारे इसके थोड़े से क्या कहते हैं मूव हो रहे हैं, या आप देख सकते हैं जो उसकी शेप है वो चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये हम स्क्वायर साइज़ का बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप यहां से एस पी एन जी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ को थोड़ा छोटा करना है इसके साइज़ को, और यहां पर इसको कॉर्नर में एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। यहां पर मैं एडजस्ट करता हूं, यहां पर एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो यहां पर आ चुका है। और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से मैं सेव पैरो पे क्लिक करता हूँ और सेव टू गैलरी कर देते हैं। ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। अभी हमें दोबारा इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। अभी दोबारा हम यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से दोबारा टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इस दफ़ा हम 16:9 वाली रेशो को सेलेक्ट करके हम इसके ऊपर कर्व बॉर्डर बनाते हैं किसी और कलर का। तो यहाँ से इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ से जाएँगे बॉर्डर वाले ऑप्शन में। बॉर्डर में जाने के बाद ये जो ऊपर ब्लैक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हम दे देते हैं इस दफ़ा येलो करते हैं सेलेक्ट, और ये नीचे जो वाइट है इसको हम वाइट ही रहने देते हैं, और येलो को थोड़ा सा इस तरीके से कम कर देते हैं, और वाइट को भी इस तरीके से माइनस में ले जाते हैं यहाँ पर। और इनसाइड अगर आप करना चाहते हैं बॉर्डर वगैरह तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आउटसाइड को ही आपने सेलेक्ट रखना है। ये याद रहे, नीचे आउटसाइड को सेलेक्ट रखना है, और रेडियस में यहाँ से थोड़ा सा इसको भी जो इसके किनारे हैं उनको इस तरीके से गोल कर लेते हैं, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अभी दोबारा ऐड फोटो में जाऊँगा। ऐड फोटो में जाने के बाद पीएनजी का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने वहाँ से डाउनलोड करना है। ये कर्व पीएनजी होगी, इसको साइज़ में छोटा करने के बाद उसी तरीके से जैसे वहाँ पर ऐड किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने ऐड कर लेना है। थोड़ा सा ध्यान रहे कि आपने जो वाइट आपको नीचे लाइन नज़र आ रही होगी इसे उसी के ऊपर आपने इसको ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो। ऐड होने के बाद अभी इसको जो कर्व है वो यहाँ से बन जाएगा, और उसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एरो पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं और सेव टू योर फ़ोन कर लेते हैं। अभी जो जितने भी हमने बॉर्डर्स ऐड किए हैं वो हमारी गैलरी में सेव हो चुके हैं, और अगर आप इसको कहीं काइनमास्टर में या किसी जगह पे भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको पीएनजी फॉर्मेट में आपके पास सेव हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा होगा तो वो मैंने इसी तरीके से बना के उनको बाद में पिक्सल लैब के अंदर पोइट्री वगैरह लिख के उसको पोस्ट किया। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। डर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।